नमस्कार, सत श्री अकाल। FMI न्यूज़ वेख रहे साडे सारे दर्शकों का स्वागत है। अज दिन शनिवार 7 अप्रैल है। असी कैनेडा च चैनल वाई और यूके च संगत TV वेख रहे दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। मैं हाँ दविंदर सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करांगे खास खबरों के नाल। अगस्टा वैस्टलैंड मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने जंतर मंत्र से किया रोस मुजहरा। अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी सोनिया गांधी की गिरफ्तारी ललकारिया, कहा जेकर मोदी सरकार च दम है तो करो कांग्रेस प्रधान गिरफ्तार। पंजाब च निजी स्कूलों की मनमर्जी रोकने लिए छेती ही रेगुलेटरी अथॉरिटी का होएगा गठन। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने किया ऐलान, स्कूलों दी फीसां नूं बनाया जाएगा तर्क संगत। लुधियाणा च कपड़ा फैक्ट्री च लगी अग कारण 3 मजदूरों की मौत, अग कारण फैक्ट्री का भी होया वड्डा नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुलवामा च फौज ते अतवादियों दरमियान मुठभेड़, 3 अतवादियों नूं किया गया ढेर। पाकिस्तानी मूल के सदीक खान बने लंदन के पहले मुस्लिम मेयर, इंग्लैंड के इतिहास पहली बार किसी मुस्लिम नूं मिलिया है मेयर का अहुदा। लुधियाणा की एक कपड़ा फैक्ट्री च अचानक अग लग गई। इस भयानक अग कारण 3 मजदूरों की मौत हो गई और कईयों के जख्मी होने की भी खबर है। पुलिस अधिकारियों ने दसा कि फैक्ट्री में रात समय काम चल रहा है, अचानक सवेरे अग लग गई जिस 3 मजदूर झुलस गए और जिन्हों की मौत हुई है। जिस तो बाद फायर ब्रिगेड ने मौके उत्ते पहुँच के अग उत्ते काबू पाया। फिलहाल अग लगने के कारणों का अजे तक पता नहीं चल सकिया। आग अभी पूरा पता नहीं चल सकता क्या कैसे लगी है, बाकी अब आग बुझ चुकी है। नुकसान लाखों में होगा। 3 आदमी यहाँ से निकाल के सिविल अस्पताल भेज दिए हैं, अभी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। बाजरा रोड पे ऊपर जो ज्ञान सिंह एंड सन्स जो धागा फैक्ट्री थी, जो गारमेंट्स भी बनाती है और कपड़े की काम भी करती है, उसमें आग लगी थी अचानक, जिसके कारण जिसमें 3 मजदूर है जो झुलस गए हैं। आग अभी कंट्रोल में है, जो झुलसे हुए मजदूर हैं उनको। हाँ सर, 3 मजदूर थे, नाम अभी आइडेंटिफाई कर रहे हैं उनका क्या नाम है, वो उनको सिविल हॉस्पिटल में दे दिया गया। अभी तो जाँच कर रहे हैं कैसे लगी आग, जैसे तथ्य सामने आ गया हम लोग आपको बताएंगे। कपूरथला के नाल लगते सुल्तानपुर लोधी च शनिवार को मानव रहित फाटक से दर्दनाक हादसे दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। जानकारी मुताबिक एक तेज़ रफ्तार इंडिगो कार फाटक वाल आ रही थी, जिस 2 लोग सवार सन। फाटक से इस कार की टक्कर अहमदाबाद जम्मू तवी ट्रेन नाल हो गई। ये टक्कर इन्नी जबरदस्त सी कि कार हवा च उछलते हुए खेतों च जा डिगी, जदों के कार च सवार 2 व्यक्तियों की मौत हो गई। ਭਾਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨ ਆਈ ਆ, ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੰਟਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿਤੇ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਗੱਡੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਗੱਡੀ ਵੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਕਾਫੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਆ, ਇੱਕ ਦੇ ਕੁਛ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ ਫਿਲਹਾਲ ਬਚਣ ਦੇ। ਇਹ 93 ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਜੰਮੂ ਤਵੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਗੇਟ ਨੰਬਰ C 42 ਅਨਮੈਨ ਗੇਟ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਡੀ ਵੱਜੀ ਇੰਡਿਕਾ ਕਾਰ। 2 ਲੋਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਉੱਥੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਕਪੂਰਥਲੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦਾਦਾਗਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਹ ਚਿਹਰਾ CCTV ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਇਸ ਫੁਟੇਜ 'ਚ 3 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। CCTV ਕੈਮਰੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਘਵ। CCTV ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਰਾਘਵ ਨਾਲ ਹੱਥੋ ਪਾਈ ਕਰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਵਰਦੀ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਰਾਘਵ 'ਤੇ ਧਾਵਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤੀਜਾ ਸਾਥੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਵੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਰਾਘਵ 'ਤੇ ਥੱਪੜਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਚਿਹਰਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ CCTV ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਘਵ ਦੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੜਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਘਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਰਾਘਵ ਤੋਂ ਉਸਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
राघव नाल कुटमार भी की गई। पर पुलिस वाले नूं शायद नहीं सी पता कि जो हरकत छुपाउण लई वीडियो डिलीट की गई सी उही हरकत सीसीटीवी कैमरे दी तस्वीरां च कैद हो जाएगी। हुण पीड़ित नौजवान इंसाफ दी मंग कर रहा है। मेरा काम सीसीटीवी इंस्टॉलेशन का है। मैं कल एक ग्रीन एवेन्यू एक जगह पे सीसीटीवी इंस्टॉलेशन के लिए गया था। वहाँ पे हमने अपना काम खत्म किया, उसके बाद मेरे कजन ने बाइक टर्न करके हमने बैग रखने के लिए वहाँ पे रोकी, तो कुछ पुलिस वालों ने आके तो हमको मना किया कि यहाँ पे बाइक लेगा। हमने उसको एक इल्तिजा की कि सर हम यहाँ सिर्फ दो मिनट के लिए खड़े होने हैं, सिर्फ बैग रख के लिए जाने पर। तो कुछ पुलिस वालों ने हमारे साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी, मेरे कजन के साथ धक्का मुक्की हो गई। तो मैंने अपने मोबाइल से उसकी एक वीडियो शूट करना शुरू कर दिया, जो देखते हुए कुछ पुलिस वालों ने आकर मेरे पर हाथ मेरे को चपेरे मारने शुरू कर दिया, मेरे को धक्का जा के नीचे गिरा दिया। बाकी जो भी हुआ है वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुका है, जो आप उसमें देख सकते हैं। उनके साथ सबसे सख्त कार्रवाई हो, जो उन्होंने मेरे साथ किया वो हर किसी के साथ करते हैं, नाके पर खड़े होकर पैसे मांगते हैं और किसी की बात नहीं सुनते। मेरी ये मीडिया से इल्तिजा है कि इनको कुछ सबक मिलना चाहिए। इस सारी घटना बारे जब पुलिस अधिकारी नाल गलबात करनी चाहिए तो उन्होंने रटिया रटाया जवाब सुनने को मिला कि मामले की जांच जारी है, जो मुजरिम होएगा उसनु बण दी सजा दिवाई जाएगी। जे अभी मेरे पास कंप्लीट आई है इस चीज की, उसकी छानबीन हो रही है, छानबीन होने के बाद जो मुलजम पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पंजाब सरकार पुलिस नु जिन्ना मर्जी हाईटेक जा पब्लिक फ्रेंडली बनाउंदे दावे करी जावे, पर पंजाब पुलिस दे मुलाजम सरकार दे सारे दावयां दी फूक वक्त बेवक्त कढ ही दिंदे ने। अमृतसर तो सुखचैन सिंह, फ्री मीडिया। फरीदकोट च बाबा फरीद यूनिवर्सिटी विचों कढे गए कर्मचारियों ने अपना संघर्ष होर तेज कर दिता है। उक्त वर्कर विरोध जताउंदे होए पेट्रोल दीआं बोतलां लै के पानी वाली टैंकी ते चढ़ गए, जिस तों बाद हरकत च आए प्रशासन ने उन्हां नूं मनाउण दी वी कोशिश कीती। पीड़ित कर्मचारियों का इल्जाम है कि अपनियां मंगां लई पिछले लंबे समय तो वह संघर्ष कर रहे हैं, पर उन्हां दी किसी ने गल नहीं सुनी। उधर प्रशासनिक अधिकारियों मुताबक वह पीड़ितां दीआं मंगां वल ध्यान दे रहे हैं। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਗਾਤਾਰ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਅਚਾਨਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕਾ ਜਿਹੜਾ 200 ਬੰਦਾ ਲਗਭਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 109 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡਾ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠਣ, ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਆਪਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕਾ ਮੁੱਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ NRI ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੱਡਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੱਸਿਆ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਹੋਰ ਖਾਸ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਕਾਸਿਫ ਫਾਰੂਕੀ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ NRI ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਰ? ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਜੀ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਕੀਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਣ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 20 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਲਗਭਗ 18 ਸ਼ਹਿਰ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਰੈਜ਼ਨੋ, ਟ੍ਰੇਸੀ, ਬੇ ਏਰੀਆ ਔਰ ਲੋਸ ਐਂਜਲਸ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਟਲ, ਹਿਊਸਟਨ, ਡੈਲਸ ਔਰ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਔਰ ਡਿਟਰੋਇਟ ਅਤੇ ਨਿਊਯੋਰਕ ਅਤੇ ਮਿਸਿਸਿਪੀ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ NRI ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ
दावा वायदा किया वा कि असी सारे आम आदमी पार्टी की मदद करा 2017 च। सो सब तो वड्डी चिंता किस गल की NRI भाईचारे नूं सतारी है, किहो जिहे जिहड़े तुहाडे कोल सवाल जवाबां दा वी दौर रहा, किहो जिहे सवाल निकल के सामणे? इस नूं ज़्यादा चिंता जिहड़ी है दैट इज़ ओह ड्रग्स की बहुत चिंता ने, उन्होंने महसूस करते हैं कि साडा जिहड़ी नौजवान पीढ़ी आ उही खत्म हो जा, उन्हां दी नस्ल कुशी हो रही है। सो इसलिए बहुत चिंतित ने, किसानां दी आत्महत्या नूं लैके बहुत चिंतित ने। जिहड़ा लॉ एंड ऑर्डर है जिहड़ा वह कंपेयर करते हैं वैसटर्न कंट्रीज़ दे नाल, जिद्दां दा बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर अमेरिका में है, जो पंजाब देखते हैं तो इतों डरते हैं, कंबते ने, वो अपने आप को महफूज नहीं समझते, अपन जायदादा महफूज नहीं समझते। और इस तो अलावा जो उन्होंने पंजाब की आर्थिक पोजिशन की चिंता है, हर गल की चिंता, भावें वह मान जिसमानी तौर पर उत्थे ने लेकिन मानसिक तौर पर NRIs जोड़े ने पंजाब दे विच। मेरा मानना कि 3.25 करोड़ आबादी है पंजाब की, वो 50 लाख NRI सारी दुनिया फैले ने। सो आम आदमी पार्टी की यह सोच है कि आप सारिया अपने पंजाब की राजनीतिक मंच से, समाजिक मंच से, धार्मिक मंच से उन्होंने इनवॉल्व करिए, और वो एक बेहतरीन साडा ह्यूमन रिसोर्स सारी दुनिया च, उन्होंने असी अपने नाल लैके अपने पंजाब नूं सुधारन की कोशिश करिए। सो NRI भाईचारे नूं जिहड़ी सियासत की पहली फहरिस्त च लियाउण वास्ते की कुछ थोड़े दिमाग च आया या कोई पार्टी नूं तुसीं उहनां दे द्वारा सुझाव दोगे? मेरा एक तो जो उन्होंने सुझाव दिते ने वो असी सारी अपनी पार्टी की लीडरशिप के मोहरे रखा, लेकिन दूजा मेरा यह भी मनना जिदा मैं पहला कहा कि हर 6वां व्यक्ति NRI है दुनिया च इस वेले, तो अगर असी उन्होंने थोड़ा जिहा डायरैक्ट पार्टीसिपेशन देिए अपनी विधानसभा के, लेट्स से 3-4 असैम्बली टिकट्स असी NRIs के इंपोर्टेंट आदमियों को देिए, उन्होंने जिता के विधानसभा के बिठाइए, उन्होंने एक आदमी को किसी NRIs का फुल फ्लैजड अफेयर मिनिस्टर बना दिए, उस महकमा दे दिए उन्होंने, और एक प्रॉपर 24 आवर हेल्पलाइन हो, जिथे जिथे भी लोगों को NRIs को ट्रबल आ रहा, लैट हिम आंसर, लैट हिम रिजोल्व द इशूज ऑफ NRIs, क्योंकि जो अज अकालिया ने बनाया NRI अफेयर का मिनिस्टर बिक्रम मजीठिया, वो 5-6 अपने वे महकमे ने 6वें थान पर एक छोटा जहा महकमा बना के सिर्फ उन्होंने चाह पानी पिलाने वास्ते रखा। इसलिए NRIs अफेयर असी इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बना के वी कैन यूटिलाइज इट, इट्स सबजेक्ट टू माई पार्टी अग्रिंग ऑन दिस इशू, मेरी प्रपोजल होगी। सो कैप्टन अमरिंदर सिंह भी उत्थे ही सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध किया गया, आम आदमी पार्टी का विरोध नहीं होया, की कारण मानते हो? कारण सीधे सीधे ने जी कि जिहड़ियां रवायती पार्टियां ने इन्हां दोनों पार्टियों चों लोग औखे ने, अकालियां तो औखे ने कि इन्होंने भ्रिष्टाचार फैलाता, अराजकता फैलाती, इन्होंने इत्थे एक बुरशागर्दी गुंडागर्दी का माहौल, एक परिवार का राज लैंदा। कांग्रेस से भी औखे ने कैप्टन अमरिंदर सिंह खास तौर पर कि तुसीं ओह पुलिस वाले लाए अपने टॉप ऑफिसर उस वेले जिन्होंने वो फेक इनकाउंटर्स में सिख नौजवानों को मारिया, इन्हों के खिलाफ भी बहुत सारी गल्लां ने। 1984 का अज तक जिहड़ा सिख कतलेआम होया उहदी अज तक किसी नूं सज़ा नहीं मिली, दोषी बाहर घूमते ने छातियां चौड़ियां करके। सो कांग्रेस का इस करके विरोध होया, और कैप्टन अमरिंदर सिंह दीआं बहुतियां मीटिंगां फ्लॉप शो सीगियां, बहुत उन्होंने बोतलां मारियां, नारे लाए। परमात्मा की कृपा नाल आम आदमी पार्टी, क्योंकि एक नवी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल की सोच में लोग अच्छा समझते हैं, उन्होंने भ्रिष्टाचार के खिलाफ एक आईकॉन समझते हैं, इसलिए आम आदमी पार्टी और नाले आम आदमी पार्टी हले एक नवी पार्टी होने वजों एक मौका देना चाहते हैं NRIs कि असी इस पार्टी भी एक मौका दीए तो अपने पंजाब को सुधारन का उपराला करिए। सो खैरा साहब, तुसी असली कैलीफोर्निया भी देख के आए हो तो हुण तुसी फिर तो पंजाब च आ गए हो, किन्ना क फर्क लगता है? पंजाब सरकार के दावे कह रहे कि असी सड़क लगाती हैं, सड़क बनाते हैं, सुखबीर का उत्थे मजाक उड़ाते हैं लोग जो सुखबीर की गल सुनते हैं जी कि मैं पंजाब को कैलीफोर्निया बनाता, इस करके नाम उत्थे पक्का लोगों ने रखा गप्पी, तो एक इनू कहिंदे ने अमली। सो ये सन सुखपाल सिंह खैरा जिहड़े कि अपने तजर्बे, अपनी जिहड़े तजर्बे उन्होंने अमेरिका च होए ने वो साडे नाल सांझे कर रहे सन। उन्होंने का कहना है कि NRIs भाईचारे नूं सियासत की पहली फहरिस्त लियाउण दी उन्हां दी कोशिश होएगी, अपनी पार्टी नूं इस चीज़ लई सुझाव भी पेश करनगे। कासिफ फारूकी, फ्री मीडिया, चंडीगढ़। देश के सब तो वड्डे हस्पताल PGI चंडीगढ़ च इलाज करवाना हुण सौखा हो गया है, मरीज आधार कार्ड नंबर ते ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकणगे। इसलिए PGI दी वैबसाइट ते जाके अपना आधार कार्ड का नंबर भर के OPD ते क्लिक करना होगा। इस प्रक्रिया मगरों मरीज़ की रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, जिस तो बाद उक्त मरीज़ के फोन ते मैसेज आएगा जिस रजिस्ट्रेशन नंबर तो लैके डॉक्टर तक की सारी जानकारी दी होगी। इस सुविधा नाल मरीजों को होरी खजल खुआरी तो निजात मिलेगी। अगस्टा वैस्टर्न डील नूं लैके आम आदमी पार्टी के आगुआ ते वर्करां वालों जंतर मंतर ते प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत दिल्ली कैबिनेट के कई मंत्री जंतर मंतर ते प्रदर्शन च शामिल होए। आप वर्करां ने प्रधानमंत्री की रिहायश ते कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी की रिहायश वल जाण की कोशिश की, पर उन्होंने रस्ते च ही रोक लिया गया। इस मौके मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने भाषण च कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी ते PM मोदी ते निशाना साधिया।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सोनिया गांधी तो डर रहे ने। केजरीवाल मुताबक पीएम मोदी च इन्ना साहस नहीं है कि वह कांग्रेस प्रधान सोनिया गांधी नू जेल भेज सकन। लोग ये तो कहते थे कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों भ्रष्टाचारी हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों मिलकर भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के पहले इतने शानदार भाषण दिए, पूरे देश के अंदर लोगों को एक उम्मीद बंधी कि अब अगर नरेंद्र मोदी जी आ गए तो देश के अंदर भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। लोगों को यह उम्मीद बंधी कि अगर नरेंद्र मोदी जी आ गए तो ये जितने भ्रष्टाचार कर रखे हैं कांग्रेसियों ने, नरेंद्र मोदी जी इन सारे भ्रष्टाचार करने वालों को जेल भेजेंगे। अपने भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहा करते थे कि इस दामाद ने बहुत भ्रष्टाचार किया है, इनको जेल भेजेंगे, ये घोटालों की सरकारें हैं, घोटाले करने वालों को जेल भेजेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था न खाऊंगा न खाने दूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने कहा था मेरा 56 इंच का सीना है इसलिए मैं इनको जेल भेज सकता हूं। दोस्तों आज 2 साल हो गए उनकी सरकार को बने हुए, एक भी आदमी को उन्होंने जेल नहीं भेजा, एक भी मामले के अंदर उन्होंने किसी को जेल नहीं भेजा। बहुत बड़ा धोखा हो गया देश के साथ, लोगों को झूठ बोल बोल के उन्होंने उम्मीद जताई थी। दोस्तों मुझे दुख हो रहा है कि 26 अगस्त 2012 को हम लोग दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार के खिलाफ यहां इकट्ठे हुए थे, आज 4 साल के बाद इन्हीं दोनों पार्टियों की मिलीभगत, इन्हीं दोनों पार्टियों के गठबंधन के खिलाफ आज हम लोगों को यहां दोबारा इकट्ठा होना पड़ रहा है। दोस्तों अगस्ता वेस्टलैंड इटली की एक कंपनी है, हेलीकॉप्टर बनाती है। यूपीए सरकार ने उनसे हेलीकॉप्टर खरीदे, आरोप लगाया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर खरीदने में महाभ्रष्टाचार हुआ। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले च शुक्रवार को देर रात सुरक्षा फोर्सा अतवादियों दरमियान हुए मुकाबले च 3 अतवादी मारे गए। रक्षा मंत्रालय के बुलारे ने दसा कि अतवादियों के लोके होने की खुफिया जानकारी मिली सी, जिस ते सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया सी। सुरक्षा फोर्सा ने जिमें ही इलाके की घेराबंदी की, अतवादियों ने उन्होंने अन्नेवा गोलीबारी शुरू कर दी। उन्होंने दसा कि सुरक्षा फोर्सा वालों की गई जवाबी कार्रवाई च 3 अतवादी मारे गए। अधिकारियों मुताबिक सारे अतवादी हिजबुल मुजाहिदीन नाल संबंधित सन, उन्हां कोलों 3 AK rifle अते होर हथियार भी बरामद किए गए ने। बरतानिया के इतिहास में कोई मुस्लिम व्यक्ति पहली बार लंडन का मेयर बनया है। पाकिस्तान मूल के सदीक खान ने अपने विरोधियों को पिछे छड़ते हुए मेयर की कुर्सी उत्ते कब्जा किया है। सदीक खान लेबर पार्टी नाल जुड़िया हुआ है, पेशे तो एक वकील है। 45 साल के सदीक नू करीब 57% वोटा मिली ने। दस दिए सदीक का पिता पाकिस्तान विच बस ड्राइवर सी। सदीक खान का जन्म 1970 विच लंडन विच होया सी। बेहद गरीबी विच पले सदीक दे पिता ने लंडन विच अपने शुरुआती दिनों दौरान काफ़ी संघर्ष किया। 2005 विच ओ लेबर पार्टी के संसद मैंबर भी रह चुके ने। जर्मनी के एसन शहर के गुरद्वारा साहिब अंदर होए धमाके की गुत्थी सुलझन का दावा हो रहा है। जानकारी मुताबक धमाके संबंधी गिरफ्तार किए गए 3 नौजवान ने मनिया कि धमाके पिछे उसका ही हथ सी। बर्लिन मीडिया दिपोर्टा मुताबक IS के समर्थक इस नौजवान ने जांच एजेंसी को मनिया कि उस ग्रुप का हिस्सेदार है जिसने गुरु घर 16 अप्रैल में धमाका किया। 17 साल के तुलेगा नामक नौजवान जर्मनी पुलिस ने एक रेलवे स्टेशन तो गिरफ्तार किया। पुछगिछ दौरान नौजवान ने इस गल का खुलासा नहीं किया कि गुरु घर में धमाका करने पिछे उन्हों का की मकसद से। इस तो पहला जर्मनी पुलिस धमाके संबंधी 2 मुस्लिम नौजवाना मुहम्मद ते यूसुफ नू गिरफ्तार कर चुकी है। जर्मनी पुलिस मुताबक तुलेगा की गिरफ्तारी उसकी मां की शिकायत उत्ते ही की गई सी। कैनेडा के अलबर्टा सूबे के जंगलों में अग लगन तो बाद 8,000 लोगों सुरक्षित कढ़िया गया है। फायर ब्रिगेड मुताबक जंगलों में लगी भयानक अग ने हुण तक 85,000 हैक्टेयर नुकसान पहुँचाया है। उधर कैनेडा के अलबर्टा में रहने वाले सिख भाईचारे के लोगों ने राहत कार्यों की मुहिम की कमान संभाली है। अलबर्टा च सिख भाईचारे के लोगों ने प्रभावित लोगों लिए राहत कार्य शुरू किया होया है। इस तो इलावा गुरु घर लोगों के रहन का प्रबंध भी वक्रे तौर उत्ते किया गया है।
गुरु घर वालों लंगर ते होर जरूरी वस्तां प्रभावित लोगों दित्तियां जा रही ने। इस तों इलावा सिख भाईचारे के निजी तौर उत्ते भी लोगों राहत समगरी देनी शुरू की हुई है। कुवैत में तैनात अमेरिकी फौज के एक अधिकारी ने ISIS विरुद्ध जंग में गैर कानूनी दसिया है। इन्ना ही नहीं, उक्त अमेरिकी अधिकारी ने राष्ट्रपति बराक ओबामा विरुद्ध मुकदमा भी दाखिल किया है। अमेरिका के 28 साल कैप्टन नाथन माइकल स्मिथ मुताबक अत्तवादी संगठन विरुद्ध कार्रवाई लई ओबामा प्रशासन ने कांग्रेस तो इजाजत ना लैके कानून तोड़िया है। स्मिथ ने कहा कि वह ISIS विरुद्ध मजबूती न लड़न के पक्ष में ने, पर इस दे लई संविधान की अनदेखी नहीं की जा सकती। मीडिया रिपोर्टा मुताबक स्मिथ ने अदालत में जो दस्तावेज दाखिल किए ने उन्हां विच दस्सिया गया कि सीरिया अते इराक विच कार्रवाई शुरू करन तो पहला अमेरिकी संसद तो मंजूरी नहीं ली गई सी। अमेरिकी परमाणु माहिरां ने खदशा प्रगटाया कि उत्तर कोरिया एक बार फिर तो परमाणु धमाका कर सकता है। इस संबंधी अमेरिका ने 5 मई नूं उपग्रह तो कुछ तस्वीरां भी लईआं ने, जिन्हां च काफ़ी गतिविधियां वेखण नूं मिल रहीआं ने। अमेरिका की जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी की 38 नॉर्थ वैबसाइट मुताबक तस्वीर में परमाणु टैसट साइट पुनर्गे उत्ते काफ़ी हलचल देखने को मिल रही है। अमेरिका को शक है कि उत्तरी कोरिया दियारियां 5वें परमाणु टैसट में लैके ने। दस दई इस महीने ही उत्तरी कोरिया ने परमाणु परीक्षण करके दुनिया में हलचल पैदा कर दी सी। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही, आग्या दिओ, धन्यवाद।